नमस्कार, सिटी अपडेट लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त दनावा दनारा में हैं, जहां पर जनपद सदस्य और सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और जिनका नाम है नीतू दुबे। उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो अभी तीन साल लगभग चुनाव के 3 साल हो गए हैं, उसके जो लॉकडाउन लगा था उसके 3 साल हो गए जब से मेला नहीं भरा था, तो आज इनके द्वारा मेला का कार्यक्रम रखा गया है, तो क्या कुछ व्यवस्था है और इनका हर जगह नाम ही नाम है जो भी चर्चा चल रही हैं, तो उसमें हर जगह कोई ऐसा विपक्ष का कोई ऐसा विरोधी व्यक्ति नहीं है जो इनकी बुराई कर सके, और उनसे ही आपकी बात सुनवा रहे हैं। आपको उनका क्या कहना है इस संबंध में और क्या कुछ कहते हैं? पहले तो आपका सिटी अपडेट लाइव में आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार साहब। ये हमारे पितरों का मेला है, पूर्वज लगाते आए हुए हैं इस मेले को, और ये प्राचीन मंदिर है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, उसके नाम से मेला लगता है। इस मेला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, इसका बहुत दिनों से इंतजार होता है, और पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से अभी अंजलि के माध्यम से ये मुझे मौका मिला है कि इस मेले को मैं लगा रहा हूँ और लोगों को इसकी ओर ध्यान दर करा। हमारा सवाल है कि जैसे जनपद सदस्य सीकर जिले में कई जनपद सदस्य बने हुए हैं, लेकिन पहले जनपद सदस्य और सरपंच प्रतिनिधि हैं जिन्होंने 3 दिन में बनने के निर्वाचित होने के बाद 3 दिन में ही पंचायत में कार्य स्टार्ट करवा दिया, ऐसा क्या कारण? मेरा मकसद लास्ट ये आदरणीय पत्रकार महोदय कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। मुझे इस धन से इस पद से कोई लालच नहीं थी, लोगों ने मुझे बुलाकर चुनाव लड़वाया है और उनकी आशाओं को मैं नहीं तोड़ सकता। जिंदगी भर मैं पूज्य पिताजी के आदर्शों पर उनके पचनों पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी जितना विकास कार्य रुका हुआ है अंजलि मैं और उनका पूरा परिवार मिलकर इस विकास कार्य को करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, जो रैली भी निकाली गई दनारा में, तो आप जैसे क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त भी आने वाली है 15 तारीख को, तो क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं? 15 अगस्त को मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घर घर पर झंडे फहराएं, अमृत महोत्सव चल रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने तिरंगे को अपने घर पर फहरा पा रहे हैं। ये कानून की थोड़ी बाध्यता थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इस बाध्यता को दूर किया और 15 अगस्त पर पूरे दिनारा वासियों को, अपने जनपद क्षेत्र वासियों को और पूरे मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार हम लोगों के लिए आज़ादी का दिन है, हम लोगों के लिए एक मिसाल है कि हमारे लोगों ने शहीद होकर इस देश को आज़ाद कराया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका नीतू जी। और इस समय हमारे साथ नीतू जी थे, जो उन्होंने का एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करना, जनहित सेवाओं का जनताओं को लाभ दिलाना और सरकार की योजना है उनको जनता को अवगत कराना।